हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट। किसका? हिंदी का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उसमें हिंदी कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 37 क्वेश्चन। तो हम टोटल 37 क्वेश्चन लेके आए हैं और वही क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है यूपी पुलिस का। कब का है दोस्तों? तो 19 जून 2018 को जो पेपर पूछा गया था दोस्तों, वही पेपर सेम हम लेके आए हैं दोस्तों। तो उसका हम हिंदी वाला पार्ट देखेंगे। टोटल 37 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसमें से आपको करना है दोस्तों और फिर हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करना है दोस्तों मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा मॉक टेस्ट दोस्तों। देखेंगे, देखिए पहले क्या है कि 38 क्वेश्चन जीएस का होते हैं और जीएस वाला पार्ट हम इसका कल देखेंगे, यानी कल सुबह देखेंगे दोस्तों। तो अब करना क्या है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। और अगर इसी तरह की वीडियो आप देखने चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन लग चुका है। देखिए 38 तक जीएस था और 38 से हम देखेंगे 75 तक का देखेंगे हिंदी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पक्षी दाना चुग रहा है दोस्तों, तो रेखांकित शब्द कौन सा है? पक्षी में रेखांकित किया गया। अब पूछ रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? पंकज, अंडज, खग और नवचर। देखिए इसमें निशान लगा हुआ, मकर जरूर है कि निशान सही हो दोस्तों, तो आपको अपने हिसाब से करने दोस्तों। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पंकज। देखिए पंकज पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता दोस्तों, पंकज किसका होता है दोस्तों? पंक मतलब कीचड़, जामे उत्पन्न जन्म लेने वाला, तो कीचड़ जन्म लेने वाला अर्थात किसका? कमल का। पर्यायवाची होता है पंकज दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो अनाथ में देखिए रेखांकित शब्द है अनाथ का, तो जिसके माता पिता ना हो, और सनाथ हो जाएगा क्या? जिसके साथ हो, ठीक, जिसके नाथ हो। अनाथ मतलब क्या था? माता पिता ना, तो दोस्तों सनाथ हो जाएगा अनाथ का विलोम शब्द, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों? जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो कौन सा जो अनेक अर्थी शब्द नहीं है दोस्तों? देखिए कनक होता है, कनक में धतूरा होता है, सोना होता है, पलाश होता है, टिशू होता है, अनंत में इसका होता है, देखिए अनंत में से आकाश हो जाता है दोस्तों, और ब्रह्मा हो जाता है, और बहुत चीजें जिसका अंत ना हो वो हो जाता है दोस्तों। महावीर का होता है, जो महान वीर हो दोस्तों, है ना, हनुमान जी हो जाएंगे, और ठीक जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति हो दोस्तों उसको भी बोल सकते हैं। मगर हत्या का ही अनेक अर्थी शब्द नहीं है, हत्या का मतलब केवल हत्या होता है दोस्तों, एक क्राइम होता है दोस्तों, ठीक, इसका कोई और अर्थ नहीं निकलेगा। तो यही क्या है? डी नंबर, ये अनेक अर्थी शब्द नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका संबंध अध्यात्म से हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक। क्या बोल देंगे दोस्तों? आध्यात्मिक बोल देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है दोस्तों? समरूपी भिन्नार्थक क्या होते हैं? जो देखने में एक जैसे लगते हैं मगर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं दोस्तों। देखिए अनुचर, नौकर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आदि, अंत, ये विलोम शब्द है। अभिनय, नाटक, ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक। अवधि और अवधि, देखिए जो चीज दोनों क्या होते हैं? देखने में एक जैसे लगते हैं परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक या फिर शब्द युग्म बोलते हैं दोस्तों। देखिए अवधि में इसका होता है दोस्तों समय होता है, अवधि में इसका होता है एक भाषा है अवधि, ठीक है दोस्तों। पूर्वी हिंदी की अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी जैसे कि आप जानते, ठीक। तो हमारा यही क्या है? शब्द युग्म है या फिर समरूपी भिन्नार्थक जोड़ा है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, हमें प्रतिदिन नमस्कार, सूर्य नमस्कार करना चाहिए दोस्तों। रेखांकित शब्द को पहचानिए, ये क्या है जो प्रतिदिन है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? अव्यय है, उपसर्ग है, सर्वनाम है या फिर कारक है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? आपको पता है ये क्या है दोस्तों? ये अव्यय है। तो अव्यय क्या होता है दोस्तों? जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, उन्हें हम अव्यय बोलते हैं। अव्यय पांच प्रकार के होते हैं दोस्तों, मुख्यतः के चार ही होते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मार बोधक, और कभी बार हम निपात को भी इसमें जोड़ देते दोस्तों। क्या हो जाएगा? अव्यय, ठीक। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, ये अव्यय शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो वेरी इजी क्वेश्चन था, मिलाप में कहा मिल प्लस आप, तो क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय दोस्तों। क्या है दोस्तों? आप क्या है? इसमें प्रत्यय है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? संधि रूप क्या होगा दोस्तों? प्रतिधन आघात क्या हो जाएगा? प्रत्याघात दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रत्याघात दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही नंबर होगा। देखिए इसमें संधि कौन सी होगी? तो हमने बताया कि या और वा के पहले का कोई आधा व्यंजन आता तो क्या हो जाता है? हमारा यण संधि। देखिए या के पहले आधा ता गए, यानी क्या हो जाएगा? ये हमारा यण स्वर संधि दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 हो गया। चलिए
देखिए महाऔषध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महाऔषध, महाधन औषध या महाधन औषधि या महाधन औषधि या फिर महाधन औषधि दोस्तों, महाधन औषधि, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? देखिए इसमें सी लगा रखा मगर ये बिल्कुल गलत ऑप्शन लगा रखा, क्या होगा? महाधन औषध दोस्तों, महाधन औषध, देखिए आ ओ मिलकर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा दोस्तों। तो ये कौन सी है? वृद्धि संधि का उदाहरण दोस्तों, किसका? वृद्धि संधि का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार, देखिए यहाँ पे कैसे ये हो जाएगा। पहला देखिए यहाँ पे औसत है तो औसत ही नहीं दोस्तों, तो आपने जब यहाँ पर धी में धा में एक ही मानता नहीं लगी तो आप ऐसे इनको कैसे कर सकते हैं? ये तीनों ऑप्शन ही गलत जाएंगे, तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव मतलब क्या आता है? हिंदी वाला शब्द दोस्तों, तो हिंदी वाला शब्द क्या हो जाएगा आपका? प्यासा दोस्तों, क्या है? हिंदी वाला ही शब्द है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। पाषाण मिस क्या होता है दोस्तों? पत्थर, आप जानते होंगे पाषाण क्या होता है? पत्थर का होता है दोस्तों। कंगन क्या होता है? कंकड़ मिस कंगन होता है दोस्तों, ठीक है। और पक्षी का होता है? पंख होता है दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? यहाँ पे कहा गया है आज मैं यहीं रहूंगा, पहला है आज मैं यहीं रहूंगा दोस्तों, अगला है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं दोस्तों, ठीक है। और क्या तुम कॉलेज जाते हो? अगला है अभी तक पत्र नहीं मिला है दोस्तों, ठीक। तो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, देखिए इसमें ये क्या है? गलत है दोस्तों, सज्जन के साथ में लोग का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। सज्जन व्यक्ति होना चाहिए था दोस्तों, सज्जन एक क्या है? रिस्पेक्टेबल सेंटेंस है, तो इसमें इसके साथ में व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, तो ऐसा होना चाहिए था दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है दोस्तों, तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मुझे आज ये सही लिखा, खाने का भी सही लिखा, मन नहीं होती, तो मन नहीं होता है दोस्तों होना चाहिए था, तो यही क्या है हमारा? गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य के कितने प्रकार दोस्तों? आपको पता है कितने होते हैं? तीन होते हैं, कौन सा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोस्तों। जहां कर्ता की प्रधानता होती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं हम? कृतवाच्य बोलते हैं, जहां पे कर्म की प्रधानता होगी उसे कर्मवाच्य बोलेंगे, और जहां पे भाव की प्रधानता होगी उसे भाववाच्य बोलेंगे दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया था उसे कहते हैं दोस्तों, तो किसका प्रयोग करते हैं? अगर वाक्य हमें एकदम से समाप्त करना है दोस्तों तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पूर्ण विराम का। किसका दोस्तों? पूर्ण विराम का हम प्रयोग करके वाक्य को खत्म करते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा पूर्ण विराम का होता है दोस्तों। अल्प विराम क्या होता है? ऐसा होता है। अल्प विराम का एक ऐसे ही ऐसे कर देते हैं दोस्तों, ठीक। विवरण का क्या होता है? ऐसे कर देते हैं दोस्तों। और उप विराम क्या होता है? उप विराम क्या होता है? ऐसे होता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो लोहे के चने चबाना मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए क्या होता है दोस्तों, बहुत कठिनाई झेलना, मतलब बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलकर बच्चों को अपने पढ़ाते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चल देते दोस्तों, क्या कर रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों? विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, या किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, या फिर गुड़। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, भैया राजा भोज कहाँ और तेली से कहाँ तुम तुलना करोगे, वही मतलब क्या है? विशिष्ट और समान व्यक्ति की यहाँ पर तुलना की जा रही है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवृत्त होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो ताता की आवृत्ति हो रही है बार बार, वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यमक में क्या होता है? एक शब्द की आवृत्ति कई बार होती है दोस्तों, और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पे यमक होते हैं कनक कनक से सौ गुणी दोस्तों। उपमा श्लेष में क्या होता है? शब्द एक ही बार आएगा, उसके अर्थ कई सारे निकलेंगे दोस्तों, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहमन पानी राख के बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून दोस्तों। उपमा में क्या होता है? यहाँ पे सात सी से सरिस के माध्यम से क्या होती है? तुलना कर दी जाती है दोस्तों, जैसे हरिपद कोमल कमल से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो मात्रिक सम छंद होते हैं प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं उसे, देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, यहाँ पे 16 16 कर लेना दोस्तों, 16 16 मात्राएं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या बोलते हैं? चौपाई। चौपाई में क्या होती है दोस्तों? ये सममात्रिक होती है, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होंगी दोस्तों। देखिए तो हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करते हैं दोहा में कितनी मात्रा होती है, दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती है, और रोला में कितनी होती है? 11 सॉरी सोठा में कितनी होती है? 11 13, क्योंकि सोठा ही क्या
होता है, दोहा का उल्टा होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, दोस्तों तो कसम खाई थी। तो आजीवन शब्द में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द में कौन समास होगा? देखिए दोस्तों, हमने बताया था आ जहां पे लगा मिल जाए वो हमेशा क्या होता है, अव्यय भाव समास। इसमें क्या होता है कि ये उपसर्ग याद का होता है दोस्तों, यहां पर उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा वो अव्यय भाव समास के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास में क्या था, कारक चिन्ह का लोप आता है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेष विशेषक संबंध, उपमेय उपमान संबंध। और द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची होता है दोस्तों, और समाहार का बोध कराता है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, शोक होता है। क्या होता है दोस्तों, शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के समुदाय क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो आपको बताते हैं जो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को या फिर समुदाय क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 52 होती है दोस्तों। टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें से वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 दोस्तों। आज हमने मैराथन बनाई है वर्णमाला की, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेस पे जाइए मैराथन हिंदी में, तो वहां पे आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, आप उसे देखिए पूरा। हमने उसके क्वेश्चन भी कराए जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं भी पूछेगा दोस्तों, टोटल 30 प्लस क्वेश्चन हमने करवाए भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्री लिंग शब्द को पहचानिए दोस्तों। संसार होता है, गौरव की जाती है होता है, भाई गौरव होता है, ठीक, समुदाय होता है। अश्वनी, देखिए अश्वनी देखने में क्या लग रहा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, तो यही क्या है, अश्वनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही नहीं दोस्तों, बेटी का बेटियां बिल्कुल सही है, श्रोता का श्रोताकार सही है, और बहू का बहुएं भी बिल्कुल सही दोस्तों, ये क्या है आपके बहुबचा माना जाता है। मगर डिबिया का क्या होगा, जहां पे या होता लास्ट में या होता दोस्तों, वहां पे हम क्या करते हैं, चंद्रबिंदी लगाते हैं, मतलब यहाँ कर देते दोस्तों, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, या हो जाएगा दोस्तों। डिबिया का क्या होगा, डिबिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जैसे बिटिया का बिटिया, उसी प्रकार से ऐसे हम कर देते दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचाने दोस्तों, किसको संबंध कारक वाले वाक्य पहचाने, संबंध कारक मिला तो काकी के, ठीक है, राम खाना खाता है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, कर्मवाच्य है, ठीक, कर्म है, और राम क्या है, करता है दोस्तों, और खाना क्या है, कर्म है दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार से अब देखिए राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, देखिए राधा का कुत्ता, तो राधा का कुत्ता क्या है, संबंध दोस्तों, ये देखिए ये मिल गया दोस्तों, काकी के रारी रे दोस्तों। ठीक है, तो यही क्या होगा दोस्तों, हमारा संबंध कारक, देखिए क्या होगा दोस्तों, संबंध कारक। अब देखिए यहां पर देखते हैं नीचे वाले में देखते हैं, राम ने रावण को मारा, तो ने क्या है, ये राम करता होगा, रावण क्या होगा, कर्म होगा दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चा माँ अपने बच्चे को क्या है, करता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा बच्चे, और करता क्या है, माँ है दोस्तों। तो ये चीजें, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, संबंध कारक किसमें है दोस्तों, तो हमारे बी ऑप्शन में संबंध कारक नजर आ रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचाने दोस्तों, विशेषण कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो विशेषण का होगा, देखिए कोई शब्द के पीछे का कोई शब्द लग जाता है तो वही क्या विशेषण, देखिए ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक स्थल, बिल्कुल सही, तो यही हमारा कहा जाएगा विशेषण हो जाएगा दोस्तों। उपासना स्थल बिल्कुल नहीं लग रहा, उपासना व्यक्ति बिल्कुल नहीं लग रहा, आश्वासन व्यक्ति, आश्वासन नहीं, तो ये भी नहीं है दोस्तों। उपेक्षा व्यक्ति, तो बिल्कुल नहीं, जिसके पीछे कोई सेंटेंस अच्छा सा फिट हो जाए दोस्तों, वही क्या होता है हमारा विशेषण, इस तरह से पहचान सकते हैं आप, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक क्या है, विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर, जागना मूल क्रिया रूप है का प्रथम प्रेरणात्मक रूप क्या होगा, देखिए हमने क्रिया पढ़ाया दोस्तों, आप जाकर के पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। ठीक, तो देखिए जागना का जो प्रथम प्रेरणात्मक होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जगाना हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट में आना जोड़ते हैं, जागना में क्या होगा, जागना में आना जोड़ते हैं, जगाना हो जाएगा दोस्तों, ये प्रथम प्रेरणात्मक होता है दोस्तों। अगर यहीं पर पूछ लेता दूसरा द्वितीय प्रेरणात्मक क्या होगा, तो जगवाना हो जाता, हम वाना जोड़ के द्वितीय प्रेरणार्थक बना देते दोस्तों। तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक की बात की गई दोस्तों, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की, तो आना जोड़ते हैं और द्वितीय में वाना जोड़ देते दोस्तों, तो हमारा ये ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए, जो पूर्ण वर्तमान काल है दोस्तों उसको आपको स्पष्ट करना है दोस्तों। तो यहां पे कहा जाएगा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, या फिर वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी दोस्तों। देखिए पूर्ण वर्तमान, देखिए पूर्ण वर्तमान काल ये हमारा कौन सा होगा दोस्तों, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, हमारा ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए नंबर का होगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा, देखिए हमने सुना था कि सुरेश गीत गा रहा था, मगर हमने देखा नहीं था, खत्म नहीं हुआ उसका काम, वो गा ही रहा था, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, गा ही रहा था, तो इसका मतलब क्या, अपूर्ण है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 67 नंबर,
देखिए दोस्तों हमें 67 नंबर क्या है ये पैसेज दोस्तों, इस पैसेज से हमें छान करके सही आंसर आपको बताने होंगे दोस्तों। तो देखिए ये आपका किसके ऊपर, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर है, तो इसको देखते रहिएगा दोस्तों। हम धीरे चला रहे हैं फिर हम इसे आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए आराम आराम से इसको चला दे रहे हैं, इसको आप पुश करके देख भी सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये आपका पूरा पैसेज है दोस्तों, ठीक। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई, उन्होंने वह उपाधि नहीं पसंद थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, या बंग भंग के आंदोलन के विरोध में, या ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली थी दोस्तों। तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है दोस्तों उससे क्या हुए थे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे दोस्तों, मतलब इन्हें बहुत ही बुरा लगा था दोस्तों, तभी इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए हम इसमें अगर दिखाते हैं आपको पैराग्राफ में, आपको दिखाते हैं कहां से आप छांटोगे। ये देखिए दोस्तों यहां पे दिया है, सन 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की और उनका विरोध इतना तीव्र हो गया दोस्तों, उनका विरोध इतना तीव्र हो गया कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी दोस्तों। यहीं से हमारा इसका आंसर मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार पहला भारत को किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि, इनकी रचना थी दोस्तों, किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना थी दोस्तों गीतांजलि, उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दोस्तों, 1913 में, कब, 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। चलिए इस तो नॉलेज वाली बात है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपको बता दें कहाँ हुआ दोस्तों, तो 7 मई 1861 को कलकत्ता में, कहां पर, 7 मई 1861 को कलकत्ता में, और आप ऊपर देखेंगे पैराग्राफ में तो आप तुरंत ही मिल ही जाएगा अपने आप से दोस्तों। अगला है, उनके पिता कौन से समाज के थे, तो उनके पिता किस समाज से संबंधित दोस्तों, तो आपको बता दें किस समाज से थे, ब्रह्म समाज से। आप किससे थे, तो ब्रह्म समाज के नेता थे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी दोस्तों, ठीक। चलिए अगला देखते क्वेश्चन, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है दोस्तों। देखिए सिंपल वाली चीजें हैं दोस्तों, जनगण मन जो राष्ट्रगान है इसके रचनाकार कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात की जा रही है, यही होंगे दोस्तों, ठीक, और इन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा है दोस्तों। कौन हो जाएंगे, हमारा ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, तो किसको दिया था दोस्तों, तो आपको बता दें किसको, मैथिली शरण गुप्त जी को, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है दोस्तों, किसने लिखा दोस्तों, तो बता दें आपको शरतचंद चट्टोपाध्याय, किसने, शरतचंद चट्टोपाध्याय दोस्तों, ठीक है, शरतचंद चट्टोपाध्याय देवदास के उपन्यासकार हैं, शरतचंद चट्टोपाध्याय दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों, कामायनी महाकाव्य है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है दोस्तों, तो यामा है क्यों, देखिए दोहा वाली कविता वाली रामचरितमानस है मगर यामा नहीं है, दोस्तों आपको बताना है यामा किसकी रचना है और इसके लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो यामा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार देगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। और एक चीज बता दें कि आप अपना इसको जरूर से करें, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।